पाकिस्तान जिंदाबाद, कामरान किशोरी जिंदाबाद, कामरान किशोरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, प्लाट अब लाजमी मिलना चाहिए। करना पड़ेगा। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको सबसे पहले आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज है 14 अगस्त, और 14 अगस्त वाले दिन हमारे सिंध गवर्नर कामरान किशोरी साहब ने बहुत बड़े प्रोग्राम का सेटअप किया है। ये प्रोग्राम शहर फैसल से स्टार्ट होगा पूरा काफिला, और मज़ार कायद पर आकर रुकेगा। वहाँ पर फिर तकरीर वगैरह होगा, और जिन बच्चों ने IT का टेस्ट दिया है उसका आई थिंक आज रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा, और जो बच्चे एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि हमारे जो सिंध गवर्नर है कामरान किशोरी, उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि 5 लाख से ज़्यादा हम अपनी आवाम के साथ अपनी नेशनल एंथम पढ़ें और रिकॉर्ड कायम करें। तो हम लोगों ने कहा यार हम क्यों पीछे हटे, IT टेस्ट दिया हमारे, जब सिंध गवर्नर इतना हमारा साथ दे रहे तो हमें भी अपने सिंध गवर्नर का साथ देना चाहिए। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर। आप लोग व्लॉग को करें इंजॉय, और अभी से कर दें वीडियो को लाइक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। तो करते हैं व्लॉग को यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, और अभी तक मैंने अपने कपड़े का पूरा सेटअप नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से रेडी होने, क्योंकि हम्मान आने वाला है। वो मेरा आकर वेट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा शाउट करेगा, क्योंकि मैंने उसको जो टाइम बोला था उस टाइम से बहुत ज़्यादा ही अबव हो चुका है। 3:15 बाकी है, तो जल्दी से होते हैं रेडी। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और मैं आज फुल 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे शूज़ भी ग्रीन वाइट और ये भी ग्रीन वाइट। तो जल्दी से निकलते हैं, हम्मान नीचे वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग को जाना है हम्मान और आबिद को पिक करने। अभी हम लोग हम्माद के घर पर पहुंच चुके हैं, उसको हम लोगों ने आवाज़ दी है, वो आ रहा है मेरे साथ है अभी। जल्दी है हम्माद और साथ है आबिद। अभी जैसे ही हम्माद आता है फिर निकलते हैं और आप लोगों को एंजॉय करवाते हैं। टाइम के पाबंद हो, ये टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या दिया था, 3 बजे का टाइम, देखो क्या हो रहा है। मुझे छोड़ दो, आप वहाँ पर बोर्ड ऑफिस में नहीं आता, पहुँच कर कॉल करना भी जाए यार। यार अब निकलते हैं रास्ते में, आप लोगों को इंजॉय करवाते हैं। सारे लड़के आ चुके हैं। कायदे आज़म के मज़ार पहुँच चुके हैं, यहीं पर इवेंट होगा, बट हम लोगों को पहले जाना है शहर फैसल। तो अभी हम लोग दूसरे रास्ते से निकलने शहर फैसल की तरफ। हम लोग शहर फैसल पहुँच चुके, और यहाँ पर आप लोग देख रहे भाई भरपूर किस्म का रश है। अभी रैली नहीं निकला, अभी थोड़ी देर बाद रैली निकलेगा। Ah
चलो यार खत्म हो गया। चलो भाई रे ऊपर से चलान मारेगा अभी ये क्यों करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कामरान किशोरी जिंदाबाद, कामरान किशोरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, प्लाट अब लाजमी मिलना चाहिए। भाई साहब ऐसा रश हो रहा है कुछ समझ नहीं आया। अभी अभी कामरान किशोरी साहब निकले हुए और अब हम लोग निकल रहे हैं भाई कायदे आजम के मजार जाना। इधर तो इस तरीके से माहौल बना हुआ था ना कुछ समझ ही नहीं आया। अभी इतना ज़्यादा रश हो रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं कायदे आजम के मजार। अरे ज़्यादा तू आगे नहीं जाना, आने देना।
नहीं गिर जाऊंगा पागल। रश देख सकते हैं किस कदर रश है, पूरा रोड सारे पैसल फुल है और अभी भी इधर देखिए फुल पूरा फुल जा रहा है और पीछे पूरा काफिला जा रहा है भाई। आज शेर कायद आज जो नेशनल एंथम होगा ना बहुत ही क्लास का होगा। पहुंच चुके हैं और इधर हो रहा है इवेंट और अभी अम्माद और अभी का नहीं पता ये लोग कहाँ हैं। अभी हम लोग ने बाइक पार्किंग की, अभी हम लोग जा रहे सीधा वो पीछे रास्ते से हम लोग फिर आगे जाएंगे। इरफान भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इरफान भाई नीचे करो, ये आइए इरफान भाई। आज तमाम पाकिस्तान जिंदाबाद।
अच्छा कारवा जवाब देंगे सबने इस नारे में जोर से बोलना है ठीक है पाकिस्तान अभी हम सबने बहुत हल्के बोलना है और बताना है कि हम सवाल समझ रहे हैं हमने बहुत हल्के बोलना है ठीक है पाकिस्तान हल्के बोलना है मेरे भाई पाकिस्तान ठीक है अब जरा जज्बे के साथ दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं पाकिस्तान अब आप लोग नहीं बोलेंगे वो तो सीधे हाथ पे रोड पे भाई खड़े ना थोड़े से लोग खड़े हैं सीधे हाथ पे उनकी आवाज सुन लिएगा हाँ है वहां तक लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ कि उधर थोड़े तो भाई अभी सिर्फ वो जो रोड पे लोग बैठे हैं सीधे हाथ पे मेरे सिर्फ वो जवाब देंगे पाकिस्तान ठीक है आपने तो नहीं बोला ना अब आप खामोश रहिएगा अब देखे पूरा कराची सुनेगा पाकिस्तान अब आप दोनों मिलकर बोलेंगे यहाँ से लेकर खैबर तक सब सुनेंगे कराची कैसे बोलता है पाकिस्तान पाकिस्तान बनाया था आप सब बोलेंगे पाकिस्तान बचाएंगे पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान बचाएंगे आप भी बोलेंगे भाई सब पाकिस्तानी है सब मिलकर बोलेंगे भाई पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान बचाएंगे पाकिस्तान बनाया था पाकिस्तान बचाएंगे एक बार सब मेरे साथ मिलकर दोनों हाथ बोल देके बोलेंगे जिंदाबाद उसके बाद में माइक आगे बढ़ा दूंगा पाकिस्तान एक दफा फिर दिल की अदा गहराइयों से बिल्कुल देखिए चूंकि ये रोड जो है ये आगे ढलान की तरफ है आगे अंडर पास है एक दफा रमजानुल मुबारक में हम लोग चांद रात को ऐलान सुनते हैं कि जिसको भी सहरी करनी है वो गवर्नर हाउस आ जाए अफ्तारी जिसको करनी है बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है गवर्नर हाउस में गरीब आदमी कैसे दाखिल होगा गवर्नर हाउस के बाहर तो मोटरसाइकिल जा नहीं सकती है। और फिर वो दिन भी आया पहली रमजान से और ईद की चांद रात तक तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस में अफ्तारी की जिसके ऊपर गवर्नर साहब के लिए जोरदार तालियां बनती हैं इंतहाई काबिले एहतराम गवर्नर सिंह कामरान जसूरी भाई राबता कमेटी के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई दीगर अकाबरीन मीडिया से एक मरतबा फिर मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होना ये दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है फिर उसके बाद तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अरे लापता अफराद आपने सुने मिसिंग पर्सन 5 मर्दुमशुमारियों से हमारी आबादी लापता थी 70 लाख लोग बाजियाब कराए इस मर्दुमशुमारी में ये तीसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या बात है थोड़ा सा अलग ऐसी जमीन जबरदस्त इनके सेवा बढ़ती रहे रोशनियों का शहर है ना बढ़ती रहे मिट्टी कहेंगे चलता रहे सब मिलके दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है वो तालियां बजाते नहीं बजाते तालियां बजाते हुए दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन इनके सिवा वहां तक झटर लगा रहे बढ़ती रहे और चलता रहे क्या बात है जबरदस्त कराची वालों जिंदाबाद पाकिस्तान वालों जिंदाबाद इस अहद के साथ कि हम अपनी अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे अपनी एथनिसिटी अपना सेक्स सब कुछ अपनी सियासी वाबस्तगी सब बरकरार रखेंगे मैं तो न्यूट्रल हूँ फारूक भाई ने मजाक में कहा था मैं तो न्यूट्रल हूँ मेरी किस वाबस्ते की नहीं लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम सब के सब अपनी सारी तफरी बुलाकर एक झंडे के तहत मुत्तहिद हो जाएंगे और हम सबका नारा वही नारा होगा और वो नारा होगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान
आईटी के वो कोर्सेज जो फारूक भाई ने बताए, दानियाल भाई उसका जितना रिजल्ट है मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में, उसका लिंक अभी जारी करें। रिजल्ट आ गया, दे दिया हमने रिजल्ट। ये है सियासी लोगों की तकरीर करने का बॉक्स, इसे बुलेट प्रूफ बॉक्स कहते हैं। मुझे कहा गया आपकी जान को खतरा है, इसमें खड़े होके तकरीर कीजिएगा। अरे मैंने कहा मुझे इनकी जान का खतरा है, जब इनके पास नहीं तो मैं भी इसमें खड़ा नहीं होऊंगा। देखो काम कहते हैं ना अपने ही आते हैं। ये दानियाल भाई जो आपके आईटी प्रोग्राम का इंचार्ज है, हेड है, मुझे आके उसने कहा कि 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को आज हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो गवर्नर हाउस में एक साल तक एयर कंडीशन मार्की में दोपहर का लंच, मिनरल वाटर की बोतल और एयर कंडीशन और पूरी तालीम मुफ्त करेंगे, और ये तीनों कोर्सेज करके 15 से 20 लाख महीना कमाएंगे। लेकिन आपको पता है मैं दानियाल भाई को हमेशा कहता हूं कि आप पास होने वालों के साथ हैं। मैं जिंदगी भर उनके साथ खड़ा रहा जो फेल हो गए, इसलिए कि कभी कभी मैं खुद भी फेल होता हूं। इसलिए जो 4.5 लाख लोग रह गए थे उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट सुन लो कि ये 4.5 लाख लोग हमारे पास से अपने घर बैठकर वही कोर्स ऑनलाइन करेंगे। इस बच्ची का भाई बहन नाम आयशा असगर जहां भी है, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे इस नौजवान, इसके भाई को ढूंढ के, बहन को सॉरी, आयशा असगर को फौरन यहां ले आए। इससे छोटी है आयशा असगर और ऐसे ही कपड़े पहनी भी है। आ जाएगी, आएगी आयशा असगर। सब देखे, किसी के पास है बच्ची तो यहां स्टेज पर ले आए। उस जो बच्ची ले आएगा उसको उम्रे का टिकट यहीं पे दे देंगे। चलो, और आपको पता है ना, ये यहां पर जो दो शरारतें हुई हैं वो भी बता दो। एक ये जो पूरा चौक है और गली है जहां हमने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई थी, वहां की कोई लाइट काट के चला गया। और जो हमने 200 आबाद वालों से, तमाम बिल्डरों से बड़े बॉक्स मंगवाए थे, वो भी उठा के या तोड़ दिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि तुम्हें शऊर मिले। क्या नहीं चाहते? शऊर मिले। हम शऊर दे के रहेंगे, हकूक तुम खुद छीन लेना। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ था और हम लोग घर आ गए, क्योंकि बीपी मेरा बिल्कुल लो हो चुका था और हाफिज अहमद का ना वायलेट भी गुम हो गया। इस वजह से हम लोग ने कुछ नेशनल एंथम वगैरह कुछ देखा नहीं। हम लोग घर पर आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से। तो व्लॉग को आप लोगों ने आई होप इंजॉय किया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने क्लिप्स वगैरह बनाए आप लोगों के लिए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।